सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैटिया V5 में कंस्ट्रेंट के बारे में शुरू से अंत तक। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट टूलबार को बाहर निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट में कुछ इस प्रकार के हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, फिक्स टुगेदर, ऑटो कंस्ट्रेंट, एनिमेट कंस्ट्रेंट, एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके लिए मैं स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन पार्ट डिजाइन। मैं इसको कट कर लेता हूँ। ओके, सो मैं किसी भी प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे, स्केच। मैं उस कोई भी ज्योमेट्री टर्न कर लेता हूँ। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है बाधा डालना, मतलब जब तक कि कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे तो वह इधर उधर ड्रैग होता रहेगा। तो आप चाहते हैं अगर ये ड्रैग ना हो, हमारा फिक्स बना रहे, तो उसके लिए हमें इसको कंस्ट्रेंट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट को चूज कर लेता हूँ। किसी भी लाइन को क्लिक करेंगे और अदर पेज पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके बाद यह ड्रैग नहीं होगा, मतलब ये लाइन इंक्रीज नहीं होगी। और इसको डबल क्लिक करके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये चेंज हो गई, और आप देख सकते हैं कि इस साइड में अभी भी ड्रैग हो रहा है। तो हमें इस वाली लाइन को अब वर्टिकली कंस्ट्रेंट करेंगे। तो वर्टिकली कंस्ट्रेंट करने के लिए मैं कंस्ट्रेंट लूँगा और इसको क्लिक करके अदर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो यह कंस्ट्रेंट हो जाएगा। मैं इसे डायमेंशन दे लेता हूँ, यहाँ से डायमेंशन दे लेंगे तो यह कंस्ट्रेंट हो गया। आप देख सकते हैं यह उस तरह से ड्रैग नहीं हो रहा, मतलब इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी यह ड्रैग हिल रहा है, मतलब इसको इस प्लेन के अबाउट कंस्ट्रेंट करना है। तो कर लेते हैं कंस्ट्रेंट इसको, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे तो यह कंस्ट्रेंट हो जाएगा। एंड अभी भी आप देख सकते हैं कि यह वर्टिकली मूव हो रहा है। तो इसे हम इसे भी कंस्ट्रेंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यह ज्योमेट्री पूरी तरह से ग्रीन हो गई, मतलब यह फुल कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री हमारी हो गई है। अगर अब हम इसे एक्स्ट्रा डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे तो यह वायलेट हो जाएगा, मतलब यह ओवर कंस्ट्रेंट हो गया। और जब तक कि यह वायलेट मतलब वाइट रहता है तो यह इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगर किसी भी ज्योमेट्री को डिलीट करेंगे तो यह अंडर कंस्ट्रेंट कहलाएगा, और किसी किसी केस में यह किसी किसी में यह ज्योमेट्री हमारी रेड हो जाएगी, मतलब यह ड्राइंग ख़राब हो चुकी है, ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगी, मतलब ज्योमेट्री ख़राब हो जाएगी जो सही नहीं है। उसके बाद आप कोई भी इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो मैं और एक और आइडिया है कि जैसे मैं इस ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई भी ज्योमेट्री ड्रा करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह दो लाइन ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जो अपनी कोई भी ज्योमेट्री बना रहे हैं तो उसको ओरिजिन पॉइंट से बनाएंगे तो यह हमारी ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी, कंस्ट्रेंट हो जाएगी। उसके बाद मैं कोई अदर डायमेंशन देकर के इसे डायमेंशन दे देता हूँ। ओके, सो आगे चलते हैं। ये था कंस्ट्रेंट, अब आते हैं कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक ही ज्योमेट्री रहने देते हैं। मैं कोई भी अदर ज्योमेट्री जैसे सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह जो है इसके कॉन्टेक्ट में आ गई। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, किसी अलग बनाते हैं जिसे मैं बना इसके कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट लूँगा, सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस स्केच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन सा हो गया है, मतलब यह इसके कॉन्टेक्ट में आ गया है। अब यह मूव नहीं हो पाएगा, ये हमेशा इसके कॉन्टेक्ट में रह करके अभी इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसे एक बार और जो इसको ज्योमेट्री दे दूंगा तो यह बड़ा नहीं होगा और इसके कॉन्टेक्ट में है। हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है लेकिन वर्टिकली मूव नहीं होगा, इसके साथ ही मूव हो रहा है।
कॉन्टेक्ट कंस्टेंट का यही काम है। अगला आता है ऑटो कंस्टेंट। जैसे मैं इतनी ज्योमेट्री देने की ज़रूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक ही सेव कर लेते हैं, डायमेंशन दे देता है। जैसे मैं ऑटो कंस्टेंट कर लेता हूँ, पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो यह अपने आप ही ज्योमेट्री सेट कर लेती है। और आगे देख लेते हैं, ये है फिक्स टुगेदर। तो इसके लिए मैं कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फिक्स टुगेदर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यह इसके अबाउट फिक्स टुगेदर हो गया। मैं किसी भी एक ज्योमेट्री को डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो यह इसके अबाउट फिक्स टुगेदर हो गया, मतलब यह अब यहाँ से हिल नहीं पाएगा। अगला आता है मेरे पास एनिमेट कंस्टेंट। उससे पहले मैं इसे जान लेता हूँ, कंस्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए मैं बना देता हूँ, उसके लिए मैं कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बहुत डिफाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं इसे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हॉरिजॉन्टली मैं इसे कंस्टेंट कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं आप यह हॉरिजॉन्टली कंस्टेंट हो चुका है। ओके कर देते हैं, तो यह हॉरिजॉन्टली मतलब यह इस तरह से मूव होगा, लेकिन अगर चाहे किसी एक सिरे को करके देखिए हो जाएगा, लेकिन यह वर्टिक मतलब यह हॉरिजॉन्टली कंस्टेंट हो चुका है। तीसरी लाइन था तो यह हॉरिजॉन्टली हो गया। और अगर मैं इसे वर्टिकली कर देता हूँ, एक मिनट, यह फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से अगर खींचा, इसे आप चाहते हैं तो वर्टिकल कर दें, तो इसको सेलेक्ट करिए, कंसीडर डिफाइन डायलॉग बॉक्स एंड वर्टिकल। तो आप देख सकते हैं यह वर्टिकल हो गया। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे दो सर्कल बना लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप चाहते हैं कि इस दोनों का डायमेंशन सेम हो जाए, तो उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक तीनों कंट्रोल बटन दबाते हुए तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नहीं है, मतलब पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे, देन इसे, सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, दोनों सर्कल सेम डायमेंशन के हो गए। इसके अलावा भी कई ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट करते हैं एंड इसे, अगर आप किसी को सेंट्रिसिटी कर देते हैं, तो यह एक ही एक के ऊपर एक, मतलब दोनों का सेंटर एक हो जाएगा। इसे अनचेक करते हैं, मान लीजिए टेंजेंसी कर देते हैं, कैंसिल, टेंजेंसी करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट में हो जाएंगे। ओके, और भी कई ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। मान लीजिए इसे पैरेलल करना चाहते हैं, तो यह इसके पैरेलल हो गया। एंड और भी जैसे मैं कोई एक लाइन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करते हैं एंड इससे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल को दबाते हुए, और इसे कॉन्स्टेंट कर देते हैं, तो यह दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। ये जैसे मैं ये दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके किसी भी एक पॉइंट को एंड इस के एक पॉइंट को, इस पॉइंट को दोनों सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद अगर हम कॉन्सिडेंट करते हैं, तो दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। देखिए जिस दोनों जुड़ चुके हैं, एंड इस तरह से है डायमंड, इस तरह से लेंथ, एंगल, रेडियस, डायमीटर यहाँ से दे सकते हैं, मिड पॉइंट। आप चाहें तो इस तरह से भी, जैसे यहाँ से किए, इस लाइन को सिलेक्ट किए, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं।
कंस्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स को इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मतलब जो हॉरिजॉन्टल करना चाहते तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं, और सेलेक्ट कंस्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स हम यहाँ से परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो यह देखिए परपेंडिकुलर बन गया। अगला आता है एनिमेट कंस्टेंट। एनिमेट कंस्टेंट में फॉर एग्जांपल मैं इसे कंस्टेंट कर लेता हूँ और एनिमेट कंस्टेंट ओपन करते हैं। ओपन नहीं हो रहा है, ओके यह ओपन हो चुका है। जिससे फॉर एग्जांपल यह इतने का है और हम चाहते हैं कि यह 200 पे कैसा दिखेगा 200 पे, तो मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। आप चाहते हैं प्ले होता रहे तो इसे प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं यह इस तरह से हो करके बता रहा है कि यह कितना, जैसे 20 mm पे यह कितना पर दिखेगा। आप चाहते हैं तो 200 mm पे करना चाहते हैं तो प्ले करके देखेंगे तो ये 200 mm पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो एनिमेट कंस्टेंट का बस इतना ही काम है। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। अगला आता है ईट मल्टी कंस्टेंट। इसके द्वारा आप जो भी जैसे डायमेंशन जहाँ भी आप दिए होंगे, जितने भी डायमेंशन आप दिए होंगे वह यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑटो कंस्टेंट कर लेता हूँ, ओके तो यह इतने सारे कंस्टेंट हो गए। अब यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो इतने सारे सारे डायमेंशन आ गए हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से करके इसको बदल भी सकते हैं। मैंने 12 पे, तो देखिए 12 पे हो गया, यह यहाँ से चेंज हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।